दोस्तों यहाँ पे आज तो गजब का फ्रॉड हुआ। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप लोग अगर ये वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपके संग एक कांड हो सकता है। कैसे, चलिए बताने, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आप मेरे व्यूवर्स के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। कॉल आया उनके पास कि हेलो सर, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ और आपके कार्ड की लिमिट को इंक्रीस किया जा रहा है, आपको कुछ डिटेल्स बतानी है ऑन कॉल पे और आपके कार्ड की जो लिमिट है वो इंक्रीस कर दी जाएगी। एकदम ऑफिशियल का कॉल, नो चीटिंग, कुछ भी नहीं, एकदम जेन्युइन कॉल, एकदम परफेक्ट बात। और ये भाई को लिमिट इंक्रीस करवाना था, आ गए बातों में। दोस्तों यहाँ पे जो कार्ड में लिमिट बचा हुआ था 80,000 कुछ रुपये, कार्ड में समथिंग लिमिट था, पूरी की पूरी पैसा अकाउंट से गायब हो गया, उस कार्ड से पूरा पैसा निकल गया। इन्होंने कुछ अपना कार्ड नंबर शेयरिंग कर दिया। अब दोस्तों पूरा पैसा इनका गायब हो गया और लिमिट इंक्रीज के नाम पे इतना ये परेशान है। जब इन्होंने रिपोर्ट किया, कंप्लेन किया, तो नो ब्रोकर का नाम आ रहा है। वैसे नो ब्रोकर एक ट्रस्टेड साइट है, ये कभी काम तो नहीं करेगी, बट इतना है कि इनके कार्ड से नो ब्रोकर में ट्रांजेक्शन कर लिया गया है और इसलिए ऐसी चीजें सामने आई है, इतना बड़ा फ्रॉड। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने इस वीडियो को पूरा देखने के लिए क्यों कहा। सबसे पहले दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मैं आपसे इतना बात रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फैमिली मेंबर, मेरे व्यूअर्स हो और आपके साथ कुछ गलत होगा तो मुझे तकलीफ होगा, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, आपके पास कोई भी कॉल करे, क्यों ना आपको कोई खास क्यों ना कॉल करे और आपसे बोले कि अपना कार्ड नंबर हमको बता दो, सीवी नंबर बता दो, अपने सगे संबंधित तक को मैं बताना, फ्रेंड एकदम मैं बताना, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा आपके संग गलत होने पे। अब इतना पैसा खाली हो गया, ट्रांजेक्शन तो हो गया, अगर ये रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट में ट्रांजेक्शन कितने टाइम में रिफंड आया, कैसे आएगा, तब तक इनको फिलंटी चार्ज लग जाएगा, सिल में इंपैक्ट पड़ जाएगा, काफी ज्यादा लॉस होगा। तो गलती इनकी भी है, इन्होंने अपने लिमिट इंक्रीज करवाने के चक्कर में अपनी पूरी इंफॉर्मेशन बता दिया और इतना बड़ा फ्रॉड इनके संग हो गया। और ऐसा फ्रॉड जो है, मतलब कि बहुत लोग के संग होता है, बट इनके संग बहुत यूनिक तरीके से हुआ। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक भाई को डेबिट कार्ड EMI को लेकर कॉल आया कि हेलो सर, डेबिट कार्ड EMI के साधन का को क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है HDFC बैंक का, और डेबिट कार्ड EMI इनके अकाउंट पे एक्टिवेट था, उससे एक फोन ऑर्डर कर लिया गया, काफी लफड़ा हुआ, केस तक का नौबत आ गया, तब जाके वो पैसा रिफंड आया। तो मेरे भाई, मेरे मित्रों, मेरे फैमिली मेंबर, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अगर आपके पास कोई भी कॉल आता है, आपको गलती से भी उस कॉल पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बतानी है, या कोई भी कॉल करता है, अगर लिमिट इंक्रीज की बात आएगी तो बैंक खुद आपको अपने पोर्टल पे आपको नोटिफिकेशन जारी करेगा, आपको पर्सनली ऑफिशियल मेल भेजेगा, कॉल पे आपसे कार्ड नंबर नहीं पूछेगा, आपसे बोलेगा सर आपको लिमिट इंक्रीज किया जा रहा है, आप ये काम कर दो, बस कार्ड नंबर मांगने की बात आता है तो हाथ जोड़ना और फोन काट देना। ऐसा कांड हो गया। अब तो कितनी दुखी वाली बात है कि 80,000 प्लस का इनके क्रेडिट कार्ड से पैसा गायब हो गया, नो ब्रोकर पे ट्रांजेक्शन हुआ है, अब वो पैसा अपना नो ब्रोकर हुआ जाएगा बैंक में। तो रिपोर्ट तो किया है, बट इस रिपोर्ट में टाइमिंग लगेगा, बहुत बुरा हुआ। आप बताना दोस्तों गलती किसकी है, इस पे जरूर ध्यान देना, और गलती तो इनकी भी है और जो फ्रॉड किया उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो मेरी इन सब बातों को पालन जरूर करना, किसी भी लिंक पे क्लिक मत करना, वो लिंक क्यों ना कोई आपका रिश्तेदार क्यों ना भेजे, कोई भेजे बिल्कुल नहीं, नो दोस्ती नो यारी, एकदम दूर रहो। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।